पहले मैच्योर्ड होता है, फिर वो रिलीज होता है। अब यदि ये ओवा, दो चीजें होगा, ये जो ओवा रिलीज हुआ ये ओवा या तो फर्टिलाइज होगा या फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, या तो इसको स्पर्म मिलेगा या स्पर्म नहीं मिलेगा। यदि ये फर्टिलाइज हो गया तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो रुक जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा? रुक जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ। 9 मंथ में वो जायगोट पूरी तरीके से बेबी के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। तो जब तक जायगोट पूरी तरीके से बेबी में डेवलप नहीं होता है तब तक कोई दूसरा ओवा प्रोड्यूस नहीं होगा। तो दूसरा भी ओवा प्रोड्यूस नहीं होगा मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगा। ठीक है, अब ये तो फर्टिलाइज, यदि फर्टिलाइज नहीं हुआ ठीक है तो वो ओवा रिलीज कर दिया जाएगा बॉडी से बाहर। वो ओवा यदि मान लीजिए होता क्या है, जैसे ओवा प्रोड्यूस हुआ तो ओवा रिलीज होगा, उस ओवा को फेलोपियन ट्यूब और ओवा डक्ट रिसीव करता है। अब इस ओवा डक्ट के अंदर ऐसे सिलियरी सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? सिलियरी सेल्स। क्योंकि आपको मालूम है जो एग और ओवा है वो एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। वो क्या? एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, तो अपने आप तो मूव कर नहीं सकता है। तो सिलिया क्या करता है? सिलिया ऐसे वाइब्रेट करता है कि इस ओवा को ऊपर की तरफ मूव करवाता है। ठीक है, और यदि फर्टिलाइजेशन होना है तो वो कॉमनली इस पैसेज में फर्टिलाइज होता है। यहाँ पे जब एग होगा ना और उससे स्पर्म मिल जाएगा तभी वो फर्टिलाइज होता है। मतलब फेलोपियन ट्यूब वो जगह है जहाँ पर एग फर्टिलाइज होता है। ठीक है, यदि गलती से ओवा चलता हुआ यूट्रस में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? यूट्रस में, और यूट्रस में यदि स्पर्म मिलेगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज व्हाट? इस फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब ओवा यदि यूट्रस में आ गया तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक न्यू इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस बनता है। क्या बनता है? ए न्यू इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। मान लीजिए फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? ये इनर लाइनिंग ब्रेक करेगा, ये सारा इनर लाइनिंग ब्रेक करेगा और ये जो रप्चर्ड ओवा है इसके साथ बॉडी से ये बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। अब देखो यूट्रस का वॉल टूटा है तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगे वो भी रप्चर होंगे, तो वो ब्लड रप्चर्ड ओवा, दिस ऑल आर विल बी कमिंग अलोंग विद द ब्लड, सो दिस स्टेज इज कॉल्ड ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग हो गया इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फिर एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जिसमें एक ओवा डेवलप होगा, फिर वो रिलीज होगा, फिर वो यहाँ से यहाँ आएगा। यदि फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, नहीं फर्टिलाइज हुआ तो फिर वो यहाँ के रप्चर होगा, उसके साथ ही इनर लाइनिंग फिर रप्चर होंगे। मतलब हर एक ओवा के लिए, एक नए ओवा के लिए यूट्रस का एक नया लाइनिंग फॉर्म होगा या पुराना लाइनिंग रहेगा? एक नया लाइनिंग फॉर्म होता है, ये चीज होता है। अब जो ये सर्विक्स है, ये एक जंक्शन है यूट्रस और वेजाइना में। वेजाइना जो है दैट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। ये क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। तो इट विल बी रिसीविंग द सीमेन, क्योंकि स्पर्म अकेला तो नहीं आता है, वो नर्सिंग मटेरियल के साथ आता है, तो वो सीमेन के साथ आएगा और स्पर्म को रिसीव करने का काम कौन करता है? वेजाइना। ठीक है, और उसके बाद जो स्पर्म होगा वो स्पर्म ऐसे चलता हुआ मोटाइल स्ट्रक्चर है वो यहाँ आएगा, और यदि मान लीजिए यहाँ पे एग है और ये स्पर्म यहाँ फ्यूज हो गया तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और ये जायगोट बन जाएगा कि नहीं, और ये जायगोट बनने के बाद ये इस तरीके से फिर यूट्रस में आएगा। ठीक है, और यूट्रस में फिर वो अटैच होकर एक नए बेबी को फॉर्म होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले, ये स्ट्रक्चर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है ये कैसे होता है, और जो ये ओवा प्रोड्यूस होगा ये प्यूबर्टी से प्रोड्यूस होना शुरू होता है, सबको मालूम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से इसमें ओवा प्रोड्यूस होता है, कैसे ये ओवा मूव करता है और किस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद या बिना फर्टिलाइजेशन के ये मूव करता है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे इसे छोड़ेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे
कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद डेवलपमेंट कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन तक तो आपको समझ में आ गया, फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, यदि नहीं हुआ तब तो ठीक दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा और ये जायगोट जो है वो डेवलप होना शुरू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रन करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है।